तो स्वागत है आपका एक बार फिर से अवित्ति लर्निंग के YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे आपका जो एग्जाम हुआ है हिंदी का, उसका की के बारे में। तो हिंदी का जो पेपर है, अगर हम सेट ए को आज देख रहे हैं, तो सेट ए का सबसे पहला क्वेश्चन आया है, गिल्लू लेखिका को कैसे चौंका देता था। आंसर होगा डी ऑप्शन, कंधे पर कूद कर। दूसरा क्वेश्चन आता है, हमारे पुरखे पितृपक्ष में क्या बनकर आते हैं, इसका आंसर होगा काक यानी कौए। हम कौए के काव काव करने के किस अर्थ में लेते हैं, हम ऐसे नॉर्मली इसको अवमानना के अर्थ में लेते हैं, तो ऑप्शन सही हुआ कौन सा, ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नीले कांच के मोतियों जैसे। सही उत्तर होगा, उसकी आंखें कैसी थी, नीले कांच के मोतियों जैसे। जब उसे भूख लगती थी तो क्या करता था, चिक चिक करता था, तो ऑप्शन ए। अस्वस्थता के कारण लेखिका के बाल कौन सहलाता था, ऑब्वियसली गिल्लू। और 7 नंबर पे जाएंगे, लेखिका ने गिल्लू को कैसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, ऑप्शन डी हीटर जलाकर सही होगा। और 8वां प्रश्न है, गिल्लू क्या न मिलने पर अन्य खाद्य की चीजें झूले से नीचे फेंक देता था, काजू न मिलने पर नीचे फेंक देता था, ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की नहीं करता, यह पद किसने लिखा है, ऑप्शन इसका 9 का B यानी कि तुलसीदास सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं, लोग जिंदगी को क्या कहते हैं, इसका आंसर है पहला नंबर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और 11 नंबर पे आ जाते हैं, मनुष्य चंद दिनों के सुख के लिए किससे लड़ता है, 11 नंबर का ऑप्शन आएगा प्रकृति से, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कौन आ का माँ भय कहते हैं, 12 का C उड़िया साधव सही उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 13, उड़ीसा में हवाई कहाँ हवाई जहाज बनते हैं, सुनाबेड़ा में, ऑप्शन नंबर 13 का D आएगा ठीक उत्तर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 है, उड़ीसा कब स्वतंत्र प्रदेश बना, पहला प्रश्न ऑप्शन यानी कि 1936 में हुआ। 15 नंबर, कौन कलिंग जिन को वापस लाए थे, ऑप्शन ए सम्राट खरबिल। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, चांद माँ से क्या सिलवा लेने को कहता है, ऑप्शन नंबर बी ऊटा ऊन का मोटा झिंगोला। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 16 हो गया, 17, चांद झिंगोला न बन पाने की स्थिति में और क्या चाहता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुर्ता। क्वेश्चन नंबर 18, चांद कभी कितना मोटा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 फुट। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर हो गया, 19 की ओर बढ़ते हैं, आंधी उठने से बादल कैसा हो गया, ऑप्शन नंबर डी धूल धूसर सही उत्तर है इसका। जन जन क्यों भयभीत हो गए, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20, जन जन का इसका आया ए, रात के उत्पात भय से। क्वेश्चन नंबर 21, चिड़िया किसे नीचा दिखाती थी, 21 का हुआ ऑप्शन सी 49 पवन को। 22, प्रलय की निस्तब्धता से किसका नवगान सुनाई पड़ता है, सृष्टि का, बी सही उत्तर है। 23 की ओर बढ़ते हैं, मानव का मन कैसा होता है, 23 C कमजोर होता है। 24, सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सकता है वो कैसा होता है, 24 नंबर का डी चेतन। 25 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, शोर मचाने से मन में क्या नहीं जमता, 25 नंबर का आंसर आएगा संकल्प। 26 नंबर की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ठंडा का विपरीत अर्थक शब्द क्या है, 26 नंबर का डी गर्म आंसर सही है। घोसला का पर्यायवाची शब्द क्या है, 27 नंबर का होगा ए नीड। 28 नंबर पे आते हैं, सकर्मक क्रिया छाटना है, 28 नंबर का ए इज देखना, इसका सही उत्तर। 29 नंबर की ओर आते हैं, दौड़ना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए, 29 नंबर का हुआ दौड़ाना यानी कि बी इज करेक्ट। 30 नंबर पे आते हैं, संयुक्त क्रिया छाटिए, 30 नंबर पे आपका आया ऑप्शन सी गिर पड़ना। 31 पे आते हैं, ओके तुम जाओ मैं जाऊं, यह वाक्य किस काल में है, 31 का आंसर आएगा भविष्यत यानी कि डी। 32 की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, वह गया था यह वाक्य किस काल में है, 32 B यानी पूर्ण भूत काल में है। 33, परा उपसर्ग किस शब्द के साथ प्रयुक्त होगा,
क्वेश्चन नंबर 33 आंसर हुआ जय, पराजय शब्द बनेगा। 34 की ओर जाते हैं, 34 ऑप्शन सी भरतार इसमें सही आंसर आया। 35 की ओर तद्धित प्रत्यय किसमें आया है, 35 का डी लड़ाकू। 36 क्वेश्चन नंबर 36 आता है, आलू प्रत्यय किसमें आया है, आंसर हुआ डी यानी कि श्रद्धालु। 37 कोमल का विपरीतार्थक शब्द छाटिए, 37 का बी यानी कि कठोर सही उत्तर है। 38 का ए सही उत्तर है, शौर्य का समानार्थक शब्द वीरत्व होता है। 39 अकर्मक क्रिया छाटिए, 39 का डी चिल्लाना। 40 का हुआ संभाव्य वर्तमान काल में कौन सा वाक्य है, 40 नंबर ऑप्शन ए इज करेक्ट। 41 मीठा का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, 41 मतलब ए इज खट्टा। 42 इज कर्कश का समानार्थक शब्द कौन सा है, 42 का आता है डी यानी कि कटु। 43 क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, 43 क्रिया के मूल रूप को सी इज धातु। ओके 44 सी अगेन जिस पद से किसी कार्य करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वाच्य। 45 देना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या होगा, 45 का आंसर आएगा बी दिलाना। 46 की ओर जाते हैं, 40 किसमें उर्दू उपसर्ग है, 46 सी बेकसूर सही उत्तर है। 47 में आते हैं, आन प्रत्यय किससे जुड़ेगा, 47 ए मिलान। 48 आंसर सी इज करेक्ट, सकर्मक क्रिया मरना। 49 इज ए अकर्मक आना। 50 इज सी मैंने पढ़ा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर सेट ए का सारा उत्तर। तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन एग्जाम की आपकी रिलेटेड जब भी आएगी आप इस पे देख सकते हैं चैनल पे। इसलिए सिंसियरली प्लीज नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।